सब लोगों को वेरी गुड मॉर्निंग। मेरी आवाज़ आ रही है सबको? चैट बॉक्स पर रिप्लाई कीजिए, सबको मेरी आवाज़ आ रही है? सबको मेरी आवाज़ आ रही है? चैट बॉक्स पर रिप्लाई कीजिए। यस सर। ओके, आप रिप्लाई कीजिए और ये हमेशा साइलेंट होना चाहिए आपका, साइलेंट में रहिए सब लोग। ओके, तो मैं आपको ग्रुप पे पीडीएफ फाइल भेजता हूँ। कोई भी आवाज मत करो। अगर कोई आवाज करेगा तो मैं उसको बाहर निकालूंगा, प्लीज आवाज मत करो, डिस्टर्ब होता है।
discuss it. I'll search for vehicles.
ओके मैंने आपको पीडीएफ फाइल ग्रुप पे भेजी है, स्क्रीन शेयर करता हूँ। इधर नेट का प्रॉब्लम आ रहा है। ओके सबको फाइल दिख रही है, मेरी आवाज आ रही है, चैट बॉक्स पे लिखिए। सबको मेरी आवाज आ रही है, स्क्रीन दिख रही है, चैट बॉक्स पे लिखिए, रिप्लाई की। ओके तो हम लोग स्टार्ट करते हैं लेक्चर। कोई भी प्लीज आवाज मत करो, अभी लास्ट वार्निंग है, मैं आपको लेक्चर से निकाल दूंगा। कोई भी मुझे नॉनसेंस नहीं चाहिए, सब लोग को साइलेंट रहना है, प्लीज साइलेंट रखो। तो पिछले हफ्ते में, पिछले लेक्चर में अपना स्कोप ऑफ सर्विस तक हो गया था, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला जो पॉइंट है, सर्विस सेक्टर इन इंडिया। तो अगला जो अपना पॉइंट है हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, सर्विस सेक्टर इन इंडिया। तो इंडिया रैंक्स 15th इन द सर्विसेज आउटपुट एंड इट प्रोवाइड्स टू अराउंड 23% ऑफ द वर्कफोर्स इन द कंट्री। तो इंडिया का जो नंबर है वो 15th लगता है, सर्विसेज का जो आउटपुट दे रहा है उसमें 15वां नंबर लगता है, और जो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहा है उसमें पूरे कंट्री में 23rd नंबर लगता है। मतलब सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, लोगों को जॉब देने के लिए, उसके लिए उसका जो नंबर लगता है वो 23rd लगता है। मुशब मैं तेरे को निकाल दूंगा अभी, मैं मुझे लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, आवाज़ नहीं चाहिए मुझे। ओके तो मैं आपको क्या बता रहा था कि उसका इंडिया का 23rd नंबर लग रहा है एम्प्लॉयमेंट में, और सर्विस आउटपुट जो दे रहा है उसमें 15 नंबर लग रहा है। द वेरियस सेक्टर्स अंडर द सर्विस सेक्टर्स इन इंडिया आर कंस्ट्रक्शन, ट्रेड, होटल्स। मुशब तेरे को मैं इससे निकाल रहा हूँ लेक्चर से, तो बहुत डिस्टर्ब कर रहा है। तो मैं आपको क्या बता रहा था कि इंडिया में जो जॉब सेक्टर है उसमें 23rd नंबर लग रहा है।
ओके तो जो अलग अलग सर्विस सेक्टर है उसमें कंस्ट्रक्शन है, ट्रेड है, होटल्स है, ट्रांसपोर्ट, रेस्टोरेंट, कम्युनिकेशन, स्टोरेज, सोशल एंड पर्सनल सर्विसेज, कम्युनिटी, इंश्योरेंस, फाइनेंसिंग, बिल्डिंग सर्विस और रिटेल से इस्टेट, ये सब इसमें इंक्लूडेड है। द रीजंस फॉर द ग्रोथ ऑफ सर्विस सेक्टर कॉन्ट्रीब्यूट टू द इंडियन GDP। तो ये जो सर्विस सेक्टर इंक्रीज हो रहा है तो उससे वजह से क्या है, अपना इंडिया का GDP भी बढ़ रहा है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट वो भी बढ़ रहा है। द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द सर्विस सेक्टर हैज़ इंक्रीज वेरी रैपिडली इन द इंडियन GDP फॉर मेनी फॉरेन कंज्यूमर्स हैव शोन इंटरेस्ट इन द कंट्रीज सर्विस एक्सपोर्ट। तो इधर क्या हो रहा है कि अपना अभी जो सर्विस सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है ये इंडिया में इतना रैपिडली बढ़ गया है कि उसमें से अपने को फॉरेन कंज्यूमर्स ने भी इंटरेस्ट एक्सप्रेस किया है, उन लोगों को भी अपने इंडियन गुड्स की जरूरत है। ओके तो मैं आपको क्या बोल रहा था कि इंडिया में सर्विस सेक्टर इतना बढ़ रहा है कि उनको अभी फॉरेन के लोगों ने भी अपने को एक्सप्रेस दिखाना, इंटरेस्ट दिखाना चालू कर दिया है। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट इंडिया हैज़ अ लार्ज पूल ऑफ हाईली स्किल लो कॉस्ट एंड एजुकेटेड वर्कर्स इन द कंट्री। तो इसका कारण क्या है कि इंडिया में एक बहुत बड़ा वर्कर्स का एक पूल है जो अपने को कम खर्चे में मिलते हैं और एजुकेटेड वर्कर्स भी अवेलेबल है कंट्री में, तो इस कारण से इंडिया में सर्विस सेक्टर ग्रो हो रहा है। दिस हैज एंश्योर्ड श्योर दैट द सर्विसेज दैट आर अवेलेबल। सर वॉइस इज ब्रेकिंग। ओके सर वॉइस इज ब्रेकिंग। अभी आ रहा है बराबर। ओके स्टार्ट करता हूँ। तो इससे क्या है कि अपने को एक इंश्योर मिल रहा है कि सर्विसेज जो इंडिया से मिल रहा है वो बेस्ट क्वालिटी सर्विसेज है। इंडिया से जो सर्विस मिलती है वो बेस्ट क्वालिटी है। The foreign companies seeing this have started outsourcing their work to India. तो जिन्होंने ये देखा है उन्होंने foreign countries ने अपना काम इंडिया को आउटसोर्स करना चालू कर दिया है, स्पेशली इन द एरिया ऑफ बिजनेस सर्विसेज विच इंक्लूड्स बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विसेज। तो ज़्यादा करके जिधर बिजनेस प्रोसेस चल रहा है और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विसेज अवेलेबल है उधर फॉरेन कंट्रीज ने काम देना चालू कर दिया है। दिस हैज़ गिवन अ मेजर बूस्ट टू द सर्विस सेक्टर इन द इंडिया। तो इसके कारण क्या हो गया है, इंडिया को एक बूस्ट मिल गया है आगे बढ़ने के लिए, विच इन इट्स टर्न हैज़ मेड द सेक्टर कॉन्ट्रीब्यूट मोर टू द इंडियन GDP। तो इसके कारण क्या हो गया है, इंडिया अधिक से अधिक GDP को कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है। द सर्विस सेक्टर इन इंडिया मस्ट बी गिवन द बूस्ट। The service sector growth rate in Indian GDP registered a significant growth over the past few years. तो इसके कारण क्या हो गया है, पिछले कुछ सालों में GDP अपना बहुत ऊपर आ गया है सर्विस सेक्टर्स के ग्रोथ के वजह से। The Indian government must take steps in order to ensure that service sector growth rate in Indian GDP continues to rise, or this will ensure the growth and prosperity of the country's economy. तो इंडियन गवर्नमेंट को स्टेप्स लेने हैं
कि सर्विस सेक्टर आगे चल के भी ऐसा ही काम करे, और उसके वजह से क्या है आज के दिन उसको रहने दो, मैं उसको सबको रिकॉर्डिंग मिलेगा उसको, डिस्टर्ब बहुत कर रहा है वो। ओके अभी मुझे डिस्टर्ब मत करो। अच्छा तो मैं आपको क्या बोल रहा था कि इंडियन गवर्नमेंट को स्टेप्स लेना है कि आगे चल के ऐसे ही सर्विस सेक्टर अपने को सर्विसेज प्रोवाइड कर सके, ताकि अपना इंडिया का ग्रोथ हो और प्रॉस्पेरिटी बनाए रखे। इंडियन इकोनॉमी इज़ द 11th लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड बाय नॉमिनल जीडीपी एंड 4th लार्जेस्ट बाय परचेसिंग पावर पैरिटी। तो इंडिया का जो नंबर है वर्ल्ड में 11th लगता है वो जो नॉमिनल जीडीपी के सिलसिले में, और परचेसिंग पावर पैरिटी के सिलसिले में 4th लग रहा है। द कंट्रीज पर कैपिटा जीडीपी पीपीपी वाज डॉलर 3176 आईएमएफ 127 इन 2009। तो आपको जीडीपी दिया है इंडिया का 2009 में डॉलर 3176। द फॉलोइंग स्ट्रॉन्ग रिफॉर्म्स फ्रॉम द सोशलिस्ट इंस्पायर इकोनॉमी ऑफ अ पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडियन नेशन द कंट्री बिगैन टू डेवलप अ फास्ट पेस इकोनॉमिक ग्रोथ। तो अभी इंडिया जो बन गया है एक फास्ट पेस इकोनॉमी बन गया है। एज प्री प्रिंसिपल्स वेर इनिशिएटेड इन 1990 फॉर इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो इसका कारण क्या है कि 1990 में हम लोग ने कुछ प्रिंसिपल अडॉप्ट किए थे इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन के सिलसिले में और फॉरेन इन्वेस्टमेंट के सिलसिले में। हम लोग ने फॉरेन कंट्रीज़ को फ्री इन्वेस्टमेंट अलाउड किया था। इकोनॉमिक्स प्रेडिक्ट बाय 2020, मतलब अभी जो हो गया, इंडिया विल बी द लीडिंग इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड। तो अभी हम लोग ने ऑब्जर्व भी किया है कि इंडिया का जो कोरोना का रिकवरी रेट था वो बहुत फास्ट था। तो इसने इंडिया ने ये फिर से ये प्रूव किया है कि इंडिया वन ऑफ द लीडिंग इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड है। इंडिया वॉज अंडर सोशल डेमोक्रेटिक बेस्ड पॉलिसीज फ्रॉम 1947 टू 1991, मतलब 1947 से लेके 1991 तक इंडिया एक पर्टिकुलर सोशल डेमोक्रेटिक बेस्ड पॉलिसीज के प्रेशर के अंडर था। द इकोनॉमी वॉज कैरेक्टरिस्ट बाय एक्सटेंसिव रेगुलेशन, प्रोटेक्शनिज्म, पब्लिक ओनरशिप, परवेसिव करप्शन एंड स्लो ग्रोथ। तो इंडिया की जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी वो बहुत ख़राब थी। सबसे पहला उसका रूल्स एंड रेगुलेशंस होता था, प्रोटेक्शनिस्ट कंट्री थी, पब्लिक ओनरशिप थी, सारी गवर्नमेंट की ओनरशिप थी, बाद में करप्शन था, ग्रोथ भी स्लो था। सिंस 1991 कंटिन्यूइंग इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन हैज़ मूव्ड द कंट्री टूवर्ड्स अ मार्केट बेस्ड इकोनॉमी। लेकिन जब से लिबरलाइजेशन स्टार्ट हो गया तो इंडिया एक मार्केट बेस्ड इकोनॉमी बन गई। रिवाइवल ऑफ इकोनॉमिक फॉर्म्स एंड बेटर इकोनॉमिक पॉलिसी इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 21st सेंचुरी एक्सीलरेटेड इंडिया इकोनॉमिक ग्रोथ। तो हम लोग ने जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का रिवाइवल किया और एक अच्छी पॉलिसी हम लोग ने लॉन्च की 21st सेंचुरी के फर्स्ट रेट से, तो उससे क्या हो गया, इकोनॉमिक का ग्रोथ रेट बढ़ने लगा, एक्सीलरेट होने लगा। इन रिसेंट ईयर्स इंडियन सिटीज हैव कंटिन्यूड टू लिबरलाइज बिजनेस रेगुलेशंस। तो अभी आने वाले सालों में इंडिया के शहरों में कंटिन्यू किया है कि जो उनकी जो बिजनेस रेगुलेशन है उनको लिबरलाइज कर सके। बाय 2008 इंडिया हैज़ एस्टैब्लिश्ड इट्सेल्फ एज अ वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी। तो इंडिया ने 2008 में खुद को सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी करके एस्टैब्लिश किया है। हाउएवर एज अ रिजल्ट ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस ऑफ 2007 टू 2010 कपल विद पुअर मानसून इंडियाज ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट ग्रोथ रेट सिग्निफिकेंटली स्लोड टू 6.7%। लेकिन खराब मौसम मानसून के कारण इंडिया का जो जीडीपी का ग्रोथ रेट है वो कम हो गया है, 6.7% तक आ गया है
बट सब्सिक्वेंटली रिकवर्ड टू 7.2% इन 2009-10, लेकिन बाद में 6.7 से वो बढ़ गया, 7.2% में गया 2009-10 में, वाइल द फिजिकल डेफिसिट रोज फ्रॉम 5.9% टू अ हाई ऑफ 6.5%। लेकिन फिजिकल डिफिसिट जो है आपका वो बढ़ गया उसी पीरियड में। तो इंडिया रैंक्स 51st इन द ग्लोबल कॉम्पिटिटिव रिपोर्ट, तो जो कॉम्पिटिटिवनेस है इंडिया का उसमें इंडिया का नंबर 51 लगता है। द कंट्री हैज़ मेजर स्टॉक एंड कमोडिटी एक्सचेंजेस लाइक BSE, NSE, USE एंड फ्यू अदर एक्सचेंजेस एज वेल। तो इंडिया में मेजर स्टॉक एक्सचेंज है जैसे BSE है, NSE है, USE है और बाकी दूसरे भी स्टॉक एक्सचेंजेस है। इंडियाज लार्ज सर्विस इंडस्ट्रीज अकाउंट्स फॉर 57.2% ऑफ द कंट्रीज GDP, वाइल द इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर सेक्टर कॉन्ट्रीब्यूट टू 28% एंड 14.6% रिस्पेक्टिवली। तो आपको जान के खुशी होगी कि इंडिया का जो सबसे बड़ी सर्विस इंडस्ट्रीज है जैसे रिलायंस है, तो वो 57.2% अकाउंट करती है और एग्रीकल्चरल सेक्टर जो है वो 28% अकाउंट करता है। एग्रीकल्चरल सेक्टर 28% अकाउंट करता है, सॉरी इंडस्ट्रियल 28% अकाउंट करता है और एग्रीकल्चरल 14.6% अकाउंट करता है। तो पहले कैसा था, एग्रीकल्चर ये प्रीडोमिनेंट ऑक्यूपेशन था इंडिया में और वो अकाउंट करता था 52% ऑफ द एम्प्लॉयमेंट, मतलब लगभग 52% लोग एग्रीकल्चरल सेक्टर में काम करते थे। द सर्विस सेक्टर मेकअप फर्दर 34%, तो सर्विस सेक्टर में और 34% इंक्रीज हो गया और इंडस्ट्रियल सेक्टर 14% से बढ़ गया। द लेबर फोर्सेस टोटल हाफ बिलियन वर्कर्स, तो अभी टोटल जो वर्क फोर्स है लगभग वो 50 करोड़ का है, हाफ मिलियन मतलब 50 करोड़। मेजर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स मेजर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स इंक्लूड्स राइस, व्हीट, ऑयल सीड्स, कॉटन, जूट, टी, शुगर केन, पोटैटोस, कैटल, वाटर, बफेलो, शीप, गोट, पोल्ट्री एंड फिश। तो जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है उसमें राइस, व्हीट, ऑयल सीड, कॉटन, जून, टी, शुगर केन, पोटैटोस, कैटल, वाटर, बफेलो, शीप, गोट्स, पोल्ट्री और फिश, ये सब इंक्लूड है। मेजर इंडस्ट्रीज इंक्लूड टेलीकम्युनिकेशन, टेक्सटाइल्स, केमिकल्स, फूड प्रोसेसिंग, स्टील, ट्रांसपोर्टेशन इक्विपमेंट, सीमेंट, माइनिंग, पेट्रोलियम, मशीनरी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल, सर्विस एंड फार्मास्यूटिकल्स। तो इंडस्ट्रीज में क्या क्या, कौन सी कंपनी इंक्लूड है, टेलीकम्युनिकेशन है, टेक्सटाइल्स है, केमिकल्स है, फूड प्रोसेसिंग, स्टील ट्रांसपोर्टेशन इक्विपमेंट, सीमेंट, माइनिंग, पेट्रोलियम, मशीनरी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये सब इंक्लूडेड है। प्रीवियसली अ क्लोज इकोनॉमी इंडियाज ट्रेड हैज़ ग्रोन फास्ट, मतलब पहले प्रीवियसली कैसे था, जब क्लोज इकोनॉमी था तो इंडिया का जो ट्रेड था वो बढ़ गया था। इंडिया करंटली अकाउंट फॉर 1.5% ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड। तो अभी जो इंडिया अकाउंट करता है वो टोटल वर्ल्ड के 1.5% अकाउंट करता है अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड ट्रेड स्टैटिस्टिक्स ऑफ द WTO इन 2006, मतलब जो वर्ल्ड ट्रेड स्टैटिस्टिक्स है 2006 का, इंडियन टोटल मर्केंडाइज ट्रेड काउंटिंग एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट वाज वैल्यूड एट $294 बिलियन इन 2006, मतलब $294 बिलियन ये था 2006 में। और इंडिया सर्विस ट्रेड इंक्लूसिव ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट वाज $143 बिलियन, मतलब जो उसका एक्सपोर्ट और इंपोर्ट है वो $143 बिलियन का है। बाद में
दस इंडियाज ग्लोबल इकोनॉमिक एग्रीमेंट इन 2006 कवरिंग बोथ मर्केंडाइज एंड सर्विस दैट वॉज ऑफ द ऑर्डर ऑफ $437 बिलियन. मतलब ये जो टोटल गुड्स एंड सर्विसेज है वो $437 का था, वो अब बाय रिकॉर्ड 72% बढ़ गया. मतलब पहले कितना था, 253 बिलियन 2004 में था और 2006 में 547 हो गया. इंडिया ट्रेड हैज रीच्ड रिलेटिवली मॉडरेट शेयर ऑफ 24% इन 2006 फ्रॉम 6%. मतलब जो ट्रेड है वो इतना बढ़ा नहीं है 1985 से लेके 2006, मतलब 21 साल में सिर्फ 18% बढ़ा है, लेकिन सर्विस सेक्टर बहुत ज़्यादा बढ़ा है. अभी क्या करो, ये मैं आपको 10 मिनट का ब्रेक लेता हूँ, आप ये पढ़ लो, फिर मैं इसका टेस्ट लूँगा. अभी 11:55 हो गया है, तो मैं आप हम लोग 12:05 को हम लोग टेस्ट लेते हैं, आप तक तक पढ़ लो, 12:05 को हम लोग मिलते हैं, ठीक है? प्रोडक्ट प्राइस प्रमोशन एंड प्लेस प्लस 3 एडिशनल एलिमेंट्स पीपल प्रोसेस एंड प्रोविजन ऑफ कस्टमर सर्विसेज. तो पुराना जो 4 प्रोडक्ट मिक्स था, प्रोडक्ट प्राइस प्रमोशन एंड प्लेस, तो उसमें और 3 ऐड हो गया, पीपल प्रोसेस और प्रोविजन ऑफ कस्टमर सर्विसेज, ये 3 एक्स्ट्रा ऐड हो गया. वी रिगार्ड दिस एज फ्रेमवर्क पर्टिकुलरली अप्रोप्रिएट फॉर अ सर्विस फॉर ऑल्सो रिलीवेंट फॉर नॉन सर्विस इंडस्ट्रीज गिवन द इम्पोर्टेंस ऑफ सर्विस डायमेंशन इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस. ठीक है, तो अभी आप लोग क्या करो, 5 मिनट का ब्रेक लो और फिर हम लोग ये स्टार्ट करते हैं. ये क्वेश्चन है, ठीक है? हम लोग क्या करते हैं, 12:45 को रिज्यूम हो जाते हैं, तब तक आप पढ़ो. ये
तो मैं आपको क्या बोल रहा था, दिस वुड इन्वॉल्व बिल्डिंग इन स्विचिंग कॉस्ट विच कैन मेक इट डिफिकल्ट और एक्सपेंसिव फॉर कस्टमर्स टू स्विच फ्रॉम देयर एग्जिस्टिंग सर्विस प्रोवाइडर। तो इससे थोड़ा कॉस्ट बढ़ने का चांस है। दस अ सर्विस प्रोडक्ट इज अ कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ वैल्यू सेटिस्फैक्शन। तो ये सर्विस प्रोडक्ट जो है ये कॉम्प्लेक्स सेट है वैल्यू सेटिस्फैक्शन का। पीपल बाय सर्विसेज टू सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड दे अटैच वैल्यू टू देम। तो लोग क्या करते हैं, सर्विस प्रोडक्ट परचेज करने के लिए, उनका प्रोडक्ट प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, और वो वैल्यू अटैच करते हैं कि क्या प्रोपोर्शन में उनको सर्विस मिला है, तो उसको वो वैल्यू अटैच करते हैं और उसके सर्विस के कारण वो क्या क्या कर सकते हैं, उनकी एबिलिटी कैसे इम्प्रूव कर सकती है, ये सब वो लोग सोचते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं, फिर अगले लेक्चर में बाकी के पॉइंट्स हम लोग पढ़ेंगे। ओके, सबको थैंक यू।